हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेशनल स्कॉलरशिप का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट था वो आ चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है जनरेट हो चुका है, तो इसमें आप दे सकते हैं आपका जो भी वेरीफाई हुआ था, तो मेरिट लिस्ट में जो है आपका नाम वो है आया है या नहीं। तो ठीक है, वहाँ से आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। पहले तो वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे फ्रेश 2018-19 लिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिले जाए स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेंक्शन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए आपका नाम है या नहीं मेरिट लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा कि आपका फ्रेशर है या रिन्यूअल है। ठीक है, तो 2018-19 का जो है ये फ्रेशर है। ठीक है, और 17-18 का है आपका एप्लीकेशन या 16-17 का। तो यहाँ पे 2018-19 मैं देखता हूँ अभी का फ्रेशर, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एप्लीकेशन है, फ्रेश है या रिन्यूअल। तो 2018-19 का मैंने सेलेक्ट किया तो ये फ्रेश होगा, यहाँ पे फ्रेश कर लेंगे। अगर आपका 17-18 का है तो आप रिन्यूअल करें, ले रिन्यूअल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्कीम में आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका स्कीम आपने सेलेक्ट किया था उस वक्त, मेरिट कॉम है या प्री मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका स्टेट। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड देना होगा। ठीक है जी, ये वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में कैप्चा कोड जो लेटर है वो स्मॉल कैपिटल दोनों है, तो ध्यान से देख कर ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपका स्टेट में कितने हैं कितने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं। आपका जो नाम होगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्टूडेंट नेम में आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। आपके कॉलेज का स्कूल का नाम रहेगा, कोर्स रहेगा, एप्लीकेशन आईडी आपका यहाँ पे रहेगा, रिलीजन, कैटेगरी, जेंडर, अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिला हुआ है। तो होप आपको ये समझ में आ गया। अगर अभी आप तक आप जिसका भी पैसे अभी नहीं आए हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में है फिर भी नहीं आया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें अपना आधार जो है चेक कर लें, लिंक है या नहीं। तो ये ज़रूरी है आपको आधार कार्ड जो है आपका वो लिंक करा लें, तो हो सकता है इसी वजह से आपका पैसा जो है स्कॉलरशिप का जो है रुका हुआ है। तो आप जितना जल्दी हो सके आधार लिंक करा लें अपने बैंक अकाउंट में जिसका अभी तक नहीं आया है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।